हेलो चिल्ड्रन। सो हम लोग पढ़ रहे थे आपका इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर एंड इट इज़ अ पोयम एंड द टाइटल ऑफ द पोयम इज हा हैप्पी चाइल्ड। ये पोयम एक छोटी लड़की के बारे में है हु लिव्स इन अ लिटिल रेड हाउस, जो एक रेड कलर के छोटे से घर में रहती है एंड शी इज़ अ हैप्पी चाइल्ड। ये काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है, वो पूरा दिन हंसती है और खेलती है। शी लाफ्स एंड प्ले एंड शी हार्डली एवर क्राइज, और कभी गलती से ऐसे होता है जब वो रोती है। साथ में वो बताती है दैट शी हैज़ अ ग्रीन ग्रीन ट्री इन हर हाउस, उसके घर में एक ग्रीन ग्रीन ट्री है विच प्रोवाइड्स हर शेड फ्रॉम द सन, जो उसको सूरज से छाया देता है। एंड अंडर इट शी ऑफ्टन सिट्स, और वो कई बार उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। व्हेन ऑल हर प्ले इज डन, जब उसका सारा खेल खत्म हो जाता है, जब वो खेल कर थक जाती है, तो उस पेड़ के नीचे जाके थक कर बैठ जाती है। तो अब हम इस पोएम की एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टिक द राइट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। द कलर ऑफ द हाउस इज ग्रीन ब्लू या रेड। तो यहाँ पूछा हुआ है कि वो जो बच्ची है उसके घर का कलर क्या है। तो देखिए, यहाँ हमने पढ़ा था कि वो एक रेड कलर के घर में रहती है, तो घर का कलर क्या है, रेड। तो आपको रेड के आगे इस तरह से टिक लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चाइल्ड सिट्स अंडर द, वो किसके नीचे बैठ जाती है थककर। हमने अभी पढ़ा था, शी सिट्स अंडर द ट्री, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ द ट्री इज, हमने पढ़ा था ना कि वो जो पेड़ है वो ग्रीन कलर का है, इट्स अ ग्रीन ग्रीन ट्री, राइट। सो द कलर ऑफ द ट्री इज ग्रीन, सो आपको ग्रीन के आगे टिक लगा देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया अभी। अब है कंप्लीट द लाइंस, पोयम में से ही पढ़कर आपको इन लाइंस को कंप्लीट करना है। सेकेंड क्वेश्चन में, आई हार्डली एवर, तो देखिए आपको पोयम में इसका आंसर मिलेगा, आई हार्डली एवर क्राई। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हम अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में लिख देंगे, आई हार्डली एवर क्राई। ओके, नेक्स्ट देखिए, टू शेड मी फ्रॉम द डैश, बच्ची को किस चीज से शेड मिल रहा था, सन से, है ना, सूरज की रोशनी से उसको छाया चाहिए थी ना। तो किससे उसको शेड की जरूरत है, सूरज से छाया चाहिए उसको, है ना, सूरज से बचने के लिए उसको छाया की जरूरत है, राइट। देखिए ये मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ इन द पोयम, टू शेड मी फ्रॉम द सन। ओके, तो ये हमने लिख लिया है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, वेन ऑल माई डैश इज डन, उसका क्या खत्म हो जाता है, क्या करके वो थक जाती है, खेलकर थक जाती है ना। आई जस्ट शो यू इन द पोयम, व्हेन ऑल माई प्ले इज डन, है ना, क्या करके वो खत्म हो जाता है, उसका क्या खत्म हो जाता है, शाम को खेल खत्म हो जाता है, व्हेन ऑल हर प्ले इज डन, राइट। आई लाफ एंड प्ले द डैश, मैं पूरा दिन क्या करती हूँ, क्या करती है वो पूरा दिन, लाफ एंड प्ले, है ना, आई लाफ एंड प्ले द होल डे। कब खेलती है वो, होल डे, पूरा दिन वो खेलती रहती है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, होल डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। राइमिंग पेयर होता है बेटा जिनकी एक जैसी साउंड होती है, एक जैसी आवाज होती है। तो आपको ए और बी दो राइमिंग पेयर ढूंढने हैं पोयम में से। तो इसके लिए हम वापस पोयम पर जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है आई और यहाँ पे लिखा है क्राई, एक जैसी आवाज हुई, आई क्राई। यहाँ पे देखिए, सन डन, आई क्राई, एक जैसी आवाज आई तो ये राइम कर रहे हैं, सन डन, एक जैसी आवाज आई तो ये राइम कर रहे हैं। तो ये हमको यहाँ पर लिख देने हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे आई और यहाँ पर हम लिखेंगे क्राई, यहाँ पे लिखेंगे हम सन और यहाँ पर हम लिखेंगे डन,
तो इतना आपको आज करना है इन योर नोटबुक. इसके स्नैपशॉट्स मैं आप लोगों को भेज दूंगी, सो इट विल बी इजी फॉर यू. अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में कर लीजिए, नहीं है तो आप ये नोटबुक में भी कर सकते हैं. और मैं आपसे जल्दी दोबारा मिलूंगी. बाय बाय, टेक केयर.